साहब हम ये भी देख लेते हैं, देखो बिल्कुल ऐसे। ओ ओ तेरी ओ क्योंकि अगर एक साथ एक वीडियो में इतने सारे फीचर्स डाल देता हूँ गाइस, उनके फीचर्स चेंज कर दिए, कुछ नई गन्स ऐड हो गई हैं, जैसे कि एक नई गन इस मोड के अंदर भी आ गई है। सो इसके नीचे ये जो आप एक स्पेशल मैग देख रहे हो भाई, ये गोल गोल सी दिखने वाली चीज है, ये एक्चुअली एक मिनी ड्रम मैग है, एक एक्स्ट्रा मैग है जो एड हुई है इस नए मोड के अंदर। हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो आप? आई होप आप सब मस्त हो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले पबजी में आने वाले ऐसे टॉप 10 न्यू फीचर्स जो कि अभी तक हमने नहीं देखे थे। एंड पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको फीचर्स दिखाए थे वो आप देख सकते हो, वो बीजीएमआई के अंदर भी आने वाले हैं और पबजी के अंदर भी आने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर तो गाइस ये देख लेते हैं क्या होने वाला है, एक ऑरेंज फ्लेयर गन है मेरे भाई। लेकिन ये ऑरेंज क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि जो नया मोड आने वाला है इस बार, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे आइटम्स के कलर्स बदल दिए हैं, उनके फीचर्स चेंज कर दिए हैं, कुछ नई गन्स ऐड हो गई हैं, जैसे कि एक नई गन इस मोड के अंदर भी आ गई है। मैं आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि MG3 नाम का एक वेपन ऐड होने जा रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और नई असॉल्ट राइफल है जो अब हमें इस बेटा वर्जन में भी देखने को मिल रही है। तो आप फिर चेक कर लेते हैं क्या क्या नए नए फीचर्स ऐड हो गए हैं इस बेटा के नए पैच के अंदर। तो ये रही वो नई गन, इसका भी गेम प्ले देख लेते हैं एक बार को। और गाइस एक्चुअली स्कोप के कलर जो बदल गए हैं वो भी देखने वाले हैं। तो इसका नाम है ASM Abacan AR, ये नाम है इस नई असॉल्ट राइफल का जो कि ऐड हो गई है। लेकिन ये राइफल आई कहां से, अभी इसको ऐड करने के पीछे का लॉजिक क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि MG3 आने वाली ये तो सबको पता था, बट एक और असॉल्ट राइफल भी ऐड हो जाएगी इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। इसलिए हो सकता है कि मे बी ये जो स्पेशल मोड आ रहा है रैंगल मैप के ऊपर, ये सिर्फ उसके लिए ही हो। लेकिन अगर बाकी मैप्स के ऊपर भी ऐड होती है तो मैं उसके बारे में भी आपको बाद में बताने वाला हूँ। सो इसके नीचे ये जो आप एक स्पेशल मैग देख रहे हो भाई, ये गोल गोल सी दिखने वाली चीज है, ये एक्चुअली एक मिनी ड्रम मैग है, एक एक्स्ट्रा मैग है जो ऐड हुई है इस नए मोड के अंदर। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास क्विक ड्रॉ मैग रहती है, एक्सटेंडेड मैग रहती है और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग रहती है, बिल्कुल वैसे ही एक चौथी मैग अभी स्पेशल मोड के अंदर यूज करने के लिए मिलने वाली, जिसका नाम है मिनी ड्रम मैग। और ये रहा मिनी ड्रम। एंड इसी के साथ साथ गाइस हम ये सारे स्कोप्स भी देख लेते हैं किस तरह के दिखने वाले हैं। 4x बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है इस गन पर इक्विप होने के बाद। मे बी ये थर्मल स्कोप्स हो सकते हैं, कोई और फीचर ऐसा हो सकता है जो इनके साथ आने वाला हो। 6x बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है अभी इस नए मोड के अंदर। एंड इसके अलावा 6x ही नहीं गाइस, सारे के सारे स्कोप्स बदल दिए हैं इन्होंने। एंड ये रहा नए वाला 8x स्कोप जो कि बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है हमें इस नए मोड के अंदर। बाय द वे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि मैं ऐसी लीक्स की वीडियोस ही क्यों बनाता हूं, फीचर्स के ऊपर ही क्यों बनाता हूं बस, इसके अलावा मैं गेम प्ले वीडियोस क्यों नहीं लेके आता हूं गाइस। तो एक्चुअली प्रो प्लेयर्स की तरह आपको गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए, मुझे भी अपना गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए सारे फीचर्स तो पता होनी चाहिए ना गाइस। एंड अगर गेम में आने वाले नए फीचर्स आपको नहीं पता होंगे तो आप कैसे 22 किल्स, 28 किल्स, 40 किल्स, 80 किल्स वाली वीडियोस बना पाओगे थंबनेल बना बना के। एंड इसीलिए ये एक और रीजन है कि मैं आपके लिए सारे फीचर्स वाले वीडियोस लेकर आता रहता हूं, ताकि आपको नए नए फीचर्स के बारे में पता हो पाए और आप आने वाले अपडेट्स में, आने वाले मोड में उन फीचर्स का पूरा फायदा उठा पाओ अपने गेम प्ले में। ऑलराइट, सो ये रही वो मिनी ड्रम मैग AR गाइस। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इट इंक्रीजेस द मैगजीन कैपेसिटी व्हाइल स्लाइटली डिक्रीजिंग द रीलोड टाइम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इन्फेक्शन मोड के अंदर नई मैगजीन्स देखी थी जिनको AR राइफल्स पे ऐड करने के बाद उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो अब ये रैंगल मैप के ऊपर भी ऐड होने वाले हैं। न्यू रोबोट इन्वेड फीचर, वैसे तो मैं आपको इस फीचर के बारे में पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं गाइस, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, जैसे कि ये रोबोट परमानेंट नहीं होता है, इसको आप हमेशा के लिए लेकर नहीं घूम सकते हो, पूरे मैच में इसको लेकर नहीं घूम पाओगे आप, इसका एक स्पेसिफिक टाइम रहता है उसके लिए ये रोबोट एक्टिव रहता है। लेकिन जब तक ये एक्टिव रहेगा हमारे लिए कमाल की लूट खुद सर्च करने वाला है भाई, ये 8x, 6x, 4x लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 बैकपैक, स्नाइपर राइफल्स, ऐसी ऐसी चीजें ये हमारे लिए सर्च करके ले आता है, हमें खुद भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये फ्लेयर गन्स भी ढूंढ देता है गाइस हमारे लिए, मैंने ऐसे बहुत सारे मैचेस खेले जिन मैचेस के अंदर ये रोबोट्स हमारे लिए फ्लेयर गन्स भी ढूंढ देते हैं, तो हमें बस किसी भी एरिया में ड्रॉप कर जाना है और इन रोबोट्स को एक्टिवेट कर देना है, फिर जहां भी हम जाएंगे रोबोट्स हमारा पीछा करने वाले हैं, उस गिविन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये हमारे पीछे आते रहेंगे। और इनका जो ऊपर आपको रेडियस दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, उस रेडियस में जो भी कमाल कमाल की लूट रहने वाली है, जैसे कि एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग भी, तो ये सारी लूट हमारे लिए खुद ब खुद मार्क कर देंगे और हमारा स्क्वाड आसानी से अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद फिर यहां से निकल सकता है। तो ये एक और ऐसा कमाल का फीचर है जो रैंक पुश में बहुत काम आने वाला है गाइस नेक्स्ट सीजन के अंदर, क्योंकि रैंक पुश तो होने वाला है भाई और लूट जल्दी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अब यहां पर बैच 14 जैसे आना है लिखा हुआ, और देख लेते हैं बैच 14 से क्या होता है।
ऑलराइट, सो ये रोबोट अभी हमारे पीछे आ रहा है गाइस, देखते रहें थोड़ी देर में इसका टाइम फिनिश होने वाला है, और जैसे ही इसका टाइम फिनिश हो जाएगा वैसे ही ये रोबोट मर जाएगा, एक्चुअली डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट कैसे डीएक्टिवेट होता है अब हम ये भी देख लेते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे डीएक्टिवेट हो जाता है और गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि अभी देख सकते हो, अभी अभी इस रोबोट ने हमारे लिए फ्लेयर गन मार्क कर दी है गाइस, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पेट्रोल एंड प्रोटेक्शन रोबोट फाउंड एडवांस सप्लाइज फॉर यू विच इज फ्लेयर गन। तो जो भी आइटम ये हमारे लिए मार्क करता है उसका मैसेज ऊपर बना हुआ आ जाएगा हमारे पास, ताकि हमें पता चल पाए कि इस बार इसने क्या मार्क किया है, ताकि हमें अगर फ्लेयर गन मार्क की जाती है हमारे लिए तो हम ऊपर देख पाएंगे और जाकर हम कंफर्म कर पाएंगे। एंड एक्चुअली इस मैसेज का पर्पज ये है कि बहुत सारे आइटम्स मार्क होते रहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम बार बार जाकर उन्हें क्यों उठाएंगे, इसीलिए ये मैसेज भी आ जाता है ऊपर। यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि कोई नया आइटम तो नहीं मार्क हो गया, जैसे कि इस बार फ्लेयर गन मार्क हुई है तो हम आसानी से जाके फ्लेयर गन पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इस रोबोट ने हमारे लिए फ्लेयर गन मार्क की थी और जाकर मैंने आसानी से उठा ली, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा फ्लेयर गन के पास आ गया और लेकर निकल लिया यहाँ से। ऑल्सो लॉबी में मैंने आपको एक स्पेशल आई रोबोट दिखाया था, और यही वाला रोबोट एक्चुअली हमारे लिए अब स्पॉन आइलैंड पर भी ऐड हो गया गाइस। तो यहाँ पर पबजी के बेटा वर्जन के अंदर, यानी कि जो BGMI का बेटा वर्जन भी है उसके अंदर ये ऐड हो गया है, और जैसे ही हम स्पॉन आइलैंड पर इस रोबोट के पास जाते हैं यहाँ पर राइट साइड एक ग्रीट का आइकॉन बना जाता है, यानी कि हम इसे हाय बोल सकते हैं, इसे ग्रीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसे ग्रीट किया तो इसने भी मुझे वापस हाय किया, तो ये एक और इंटरेक्शन फीचर है जो यहाँ पर हमें स्पॉन आइलैंड पर यूज करने के लिए मिलने वाला है। ऑल्सो एक और छोटा सा अपडेट है जो आपको देखना चाहिए गाइस, पोचिंगी का नाम अब स्पेशल मोड के अंदर ट्रांजिट सेंटर कर दिया है इन्होंने, तो बाकी सारी जितनी भी प्लेसेस हैं उसके नाम नहीं बदले गए हैं, वो सब वैसी की वैसी हैं। तो ये जो 3D नेम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में ही। ऑल्सो ये पोचिंगी पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ये भी मैं आपको पिछले वीडियोज में दिखा चुका हूँ। तो अगर आपको पूरे बेटा वर्जन यानी कि अपडेट 1.5 का पूरा सारा कॉन्टेंट अगर आपको देखना है, सारे फीचर्स अगर आपको देखने, तो मैंने आपके लिए इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर 1.5 वाले सारे वीडियोस एडेड हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर कोई फीचर्स ऐसे हैं जो आपने मिस कर दिए, तो आप एक बार फिर से जाकर के उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो, वो आपको मेरे चैनल के होम पेज पर मिल जाएगी, और इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में iTunes पर भी ऐड कर दूंगा मैं आपके लिए। सो एक और कमाल का फीचर है गाइस, ये एयर कन्वेयर, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे कि ये नोवर ऐप के अंदर है, जो पॉल के अंदर है, स्कूल के आसपास भी शायद एक स्पॉन हो सकता है वहां पर भी, लेकिन कुछ और सीक्रेट लोकेशंस हैं जहां पर ये मिलते हैं हमें। तो अगर हम स्टेलवर पे लूट करना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ लूट करना चाहते हैं, और यहां से लूट करने के बाद निकल सकते हैं, क्योंकि भाई यहां पर व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई व्हीकल स्पॉन होता है इधर, तो यहाँ पर आने के बाद अपने स्क्वाड की लूट फिनिश कर लेने के बाद हम यहाँ से सीधा यसनाया पोलियाना निकल सकते हैं, बल्कि यसनाया ही नहीं गाइस, उसके आगे तक लेकर जाएगा हमें। देख लेते हैं कहाँ तक लेकर जाएगा ये। सो अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर भी लूट कर सकते हैं, यहाँ से व्हीकल ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एनिमीज हैं तो गाइस यहाँ से सीधा निकल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है गाइस नए आने वाले सीजन में, रैंक पुश दोनों ही गेम्स के अंदर, BGMI पबजी दोनों में ही ऐसे ही रैंक पुश करने वाले हैं प्लेयर्स। गाइस पबजी वाले BGMI वाले जानते हैं कि भाई लड़के सारे के सारे रैंक पुश करते हैं तो सेफ उतरते हैं, रिमोस उतर जाते हैं, स्टेलबर पहुंच जाते हैं, भाई कामेश की निकल जाते हैं। तो एक्चुअली इन एरियाज के अंदर इन्होंने एयर कन्वेयर बनाए हैं रैंक पुशर्स के लिए ही, जो प्रो प्लेयर्स हैं जो रैंक पुश करते हैं आराम से, पहले सेफ लूट करना चाहते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ से सेफ लूट करने के बाद हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं गाइस। एंड इसी के अलावा अगर जोन के बाहर भी फंस जाते हैं गाइस तो भी निकल सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जोन एक्सट्रीम शिफ्ट ले लेता है और यहाँ पर व्हीकल नहीं मिलता, तो सीधा एयर कन्वेयर की हेल्प से बाय प्रिमोस से भी निकल सकते हैं। तो मेरे भाई 1.5 अपडेट वाले सारे के सारे फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं, आपके और हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और इन सारे फीचर्स को यूज करने के बाद, सीख लेने के बाद आप भी 22 किल, 28 किल, 30 किल, 80 किल वाले वीडियोस बना सकते हो गाइस। यहाँ पर अभी आपको मेट्रो पेड़ के ऊपर से जाती हुई दिखेगी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई मेट्रो या फिर ट्रैम पेड़ के ऊपर चल रही है। यहाँ पर एक ट्री है जो एक्चुअली रोड के बीचों बीच है, इससे बचकर नहीं निकल सकती, तो भाई ऐसे कूद जाती है ऊपर से। भाई ये बहुत ही फनी फीचर है जो मैंने नोटिस किया, इसे मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देता हूँ। और ऐसे आप रोलर कोस्टर राइड ले सकते हो अब पबजी या BGMI के अंदर। ओ ओ तेरी ओहो, तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी रोलर कोस्टर राइड ले पाओगे गाइस। आपको बस इसके आसपास वाले किसी भी स्टेशन पर आ जाना है और वहां से ट्रैम को बोर्ड कर लेना है, और उसके बाद आप भी ऐसे छलांगे मार सकते हो पेड़ों के ऊपर से। सो ये जो न्यू ASM असॉल्ट राइफल है गाइस, ये एक्चुअली क्लोज रेंज फाइट्स के लिए रहने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिबिक मैप में फेमस है।
और ये बातें भी सुनने को मिल रही है गाइस कि आने वाले अपडेट्स के अंदर लिविक मैप रिमूव होने वाला है क्योंकि विकेटी 2.0 ऐड होगा एंड जो फेमस राइफल फिर वहां पर हमें मिलती थी गाइस वो शायद हट जाए मैप में से एंड इसीलिए हो सकता है कि नई एएसएम राइफल ऐड करने का प्लान बन रहा हो और तभी ये बेटा में अभी यहां पर हमें देखने के लिए मिल रही है। सो गाइस फीचर्स ऐसे बहुत सारे हैं इस नए मोड के अंदर जो अगर आप एक बार देखोगे तभी आपको समझ में आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं इस वीडियो के अंदर सारे फीचर्स नहीं है, बाकी सब फीचर्स आपको बाकी के वीडियो में मिलने वाले हैं क्योंकि अगर एक साथ एक वीडियो में इतने सारे फीचर्स डाल देता हूं गाइस तो कम से कम एक घंटे की वीडियो होने वाली है और भाई एक घंटे एक वीडियो देख के तो बोर ही हो जाओगे, उसको पूरा देख ही नहीं पाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे, इतने सारे फीचर्स होते हैं। एंड इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग वीडियोस में बनाया है, अलग अलग सेक्शंस में रखा है ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और आसानी से सारे फीचर्स देखते रह सको बैक टू बैक। तो ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।